बिहार में गुरुवार की रात कलमना और वर्धमान नगर परिसर में आग की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें कलमना में अगरबत्ती कारखाना और वर्धमान नगर में साइकिल के गोडाउन आग की चपेट में आए हैं। शहरवासियों की शुक्रवार की सुबह आग की खबरों से हुई गुरुवार की रात शहर के कलमना और वर्धमान नगर परिसर में आग की वारदात सामने आई। कलमना परिसर में एक अगरबत्ती के कारखाने को अचानक आग लग गई। कारखाना में ज्वलंत पदार्थ होने के कारण आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। अग्निशमन विभाग के जवानों को इस आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस आग में अगरबत्ती बनाने की मशीन सहित दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। अब आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी घटना वर्धमान नगर परिसर के एक साइकिल गोडाउन में कल रात अचानक आग लग गई। गोडाउन में साइकिल के टायर होने के कारण आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोडाउन पिछले 2 सालों से स्थापित है। टायर के कारण आग फैलती गई। अग्निशमन विभाग के जवानों ने बड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में गोडाउन मालिक का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये आग जो रात को 2:10 पर लगी है और लकड़गंज फायर स्टेशन के पहले 2 गाड़ी यहाँ पर आई है और आग का मुआयना करके जब मेजर फायर थी जब बाकी के स्टेशन की मदद ली है और जैसे सिविल फायर स्टेशन, पाटा मार्केट फायर स्टेशन, गंजीपेट फायर स्टेशन, नरेंद्र नगर फायर स्टेशन और सकरदरा फायर स्टेशन की गाड़ी के मदद से और गंजीपेट फायर स्टेशन ऐसे 7 गाड़ियों की मदद से ये आग बुझाने में आई है और आप ही आग पूरी तरह से अनेक इसमें है, कंट्रोल में है। वो तो मैं बताया कि 2:10 पे कॉल आया PBX से, उसके बाद तुरंत गाड़ी लकड़गंज फायर स्टेशन से आग के स्थान पर रवाना हुई और उसके बाद में यहाँ पर पहुँचने के बाद बाकी स्टेशन की मदद से 7 गाड़ी टोटल यहाँ पर आई है और आग बुझाने में कार्य किया है सबने। सर अभी नुकसान तो हम नहीं बता सकते, जैसे यहाँ पर जैसे गोडाउन है, साइकिल स्टोर है, होम है, परफेक्ट साइकिल है, रेगजी स्टोर इस दुकान का नाम है। सर आग का कारण तो अभी अज्ञात है, वो तो हम बता नहीं सकते। हाँ, मेरा नाम दिलीप चौहान, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी लकड़गंज फायर स्टेशन। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News, नागपुर।